तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। वाणी का शब्द है बिना अक्षर का ग्रंथ, दिन मन बोधे विवेक है बिना डगर का पंथ। अपने संतों में वाणी वो पढ़े जो अकल वाले आदमी है ना, वो कहेंगे ना संत बेवकूफ है, पागल हुए हुए हैं। क्या कहा उन्होंने, सोचो मेरी बात को। अब जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन के आदमी हैं, वाई एंड हाउ करने वाले, उनके सामने ये शब्द पढ़ो तो वो क्या कहेंगे, ये ऊट पटांग बोला हुआ ऊट पटांग में। मुझको ये तजर्बा कहां क्यों हुआ, जब से तुम लोगों से सुना तो मैं तुम्हारे अंतर नहीं प्रकट होता। मैं तो राम को मिलने निकला था ना, अब मैं कहाँ जाता हूँ, मन के सब रूप छोड़ जाता हूँ, मन की शक्लें छोड़ जाता हूँ, दाता जाता ध्यान छोड़ जाता हूँ। नहीं समझ में आती है, क्या सब कुछ छोड़ जाता हूँ फिर क्या रह जाता बाकी, पढ़ो। कोई कैसे आवे जाए का बिन बादल के, बिन बानी का शब्द है बिना अक्षर का ग्रंथ। अब तुम सोचो वो जो अनह शब्द तुम अपने अंतर में सुनते हो, कोई आदमी बोलता है किसी मुंह से आवाज तो कोई नहीं आती, वो है बिन बानी का शब्द। मैं मुंह बानी बोल रहा हूँ, तुम बोलने वाला कोई और है ना, उस शब्द को बोलने वाला कोई नहीं, उसको बोलते हैं स्वता शब्द। इसकी समझ मुझको सिर्फ तुम लोगों से आई, सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरे पास रोज चिट्ठियां आती, मैं खुद हैरान हो जाता हूं, मेरी अकल नहीं काम करती। हजार हा आदमी मेरा ध्यान करते हैं, उनके काम होते रहते हैं, लोग ऑर्डर आते हैं, जो भेजने वाले हैं मैं उनके उनके नाम का वाकिफ नहीं, उनकी शक्ल का वाकिफ नहीं, उनका किसी का वाकिफ नहीं। उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है या मेरा वो ध्यान करते हैं, उनके काम हो जाते हैं, सेवा करते हैं, मैं हैरान होता हूँ कौन जाता है। इस ख्याल ने मुझे बता दिया, तो दाता ने ठीक कहा कि उसका भेद कोई नहीं जान, क्यों भेद नहीं जानते, कोई तो राम को पूछता है, कोई कृष्ण को पूछता है, कोई बाबा सामने से उनको पूछता है, कोई फकीर से उनको पूछता है, रब समझ के पूछ रहे पूछ रहे, हालांकि वो है नहीं। जो आदमी फकीर चंद को या राम को या कृष्ण को राम खुदा समझ के पूछेगा अपने अंतर में, उसके सामने वो आएगा तो जो कुछ भी राम उसके सामने आएगा या फकीर चंद आएगा, वो खुदा तो नहीं है ना, वो तो उसका अपना मन का बनाया हुआ है, खुदा कहाँ आया। यही एक भ्रम है, इसी भ्रम में आकर के हम गृहस्थी लुट गए। मैं इसी वहां से उस अनामी धाम से आया हूं, क्या कहने के लिए, ऐ मानव जाति तू इस खुदा के नाम पर तूने मजहब बना दिए, तूने पंथ चला दिए, तुम्हारे सिर कटते हैं। क्या हुआ दुनिया में, पाकिस्तान में क्या हुआ, मजहब की गलत समझे किया ना, बैरूत में क्या वहां क्या हो रहा है, अब इसराइल और अरबों का क्यों झगड़ा है, ये है क्या, क्योंकि सभी भ्रम में हैं, किसी को कुदरत के राज का भेद नहीं मिला, भेद मिला सिर्फ संतों को। अब वो भेद क्या है जो मैं बता रहा हूँ, मेरी समझ में आया, हो सकता है संतों को कोई और भेद मिला हो, मुझे नहीं पता, मैं कान को हाथ लगाता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, फर्ज करो अगर मैं जो कुछ कहता हूँ मैं गलत हूँ तो मैं मुजरम नहीं, मुजरम या दाता दयाल महर्षि सुब्रत लाल हैं या बाबा सावन सिंह हैं, उन्होंने क्यों मुझे काम दिया, बाबा सावन सिंह ने क्यों मुझे कहा तू निर्भय होके काम कर, मैंने कहा जी मैंने सच कहना, कहने के तू मुझसे सच नहीं कहा गया, तू निर्भय होके काम कर, अगर मैं गलती पर हूँ तो मैं कहेगा मुजरम,
मेरी तो नहीं है साहब, मैं अपने लिए कुछ करता नहीं, जो कुछ है सच्चाई बयान किया करता हूँ। तो परवेश करी को क्या है, दिन बानी का शब्द है, दिन अक्षर का ग्रंथ है। अक्षर बोलते हैं ना लफ्ज, तो वहाँ तो बोलना नहीं, विचार नहीं। जिस मंदिर की मैं बात करता हूँ वहाँ विचार नहीं, विचार कैसे आएगा? तुम लोग कहते हो अंतर में बातें कर, कहीं मेरे पास आए बाबा तूने ये कहा, नहीं समझ में आया कुछ नहीं लिखा, आपने ये कहा बताओ इसका मतलब क्या, मैं क्या बताऊँ, सिर्फ बताऊँ अपना, मैंने तो उसको कहा नहीं, नहीं समझ में आती है। तो जब तक इंसान वो मालिक कहाँ रहता है, जिस्मानी और मानसिक एहसास को छोड़ देने के बाद जो अवस्था आती है वो मालिक। दुनिया जगत धोखे में क्यों है, कोई मंदिर में जाके उसको पूछता है, नहीं समझ में, कोई किसी बाहर के आदमी में पूछता है, कोई किसी जगह पूछता है, कोई कोई मंत्र पढ़ता है, कोई कोई मंत्र पढ़ता है उसको याद करने के लिए, ये सब भूले हुए नहीं तो क्या। ये जितने हैं हम लोग, हम अपनी पूजा आप करते हैं, मालिक को कोई नहीं पूछता, हम अपने मन के अंदर जो कुछ हमारा ख्याल है, विश्वास है, श्रद्धा है, उसको हम पूछते हैं। ये दरवाजा खोल दो जरा भाई, अपने ही आप पूछते हैं। ए स्वामी जी ने कहा, काल ने रक्षक कला दिखाई, काल ने अपनी पूजा आप कराई, नहीं समझ में आती है क्या कहा मैंने। आगे बिन मन बोधे विवेक है, बिना डगर का पंथ है। अब तुम सोचो बिना बुद्धि विवेक के क्या है, बिना डगर का पंथ। अब पहले बिन मन बोधे विवेक है, बिना मन बुद्धि विवेक है। विवेक मैंने समझ के होते हैं ना, अकड़ के होते हैं ना। अब बिना मन और बुद्धि के विवेक कैसे होगा? मैं कहता हूँ होता है, कैसे होता है? जब तुम अपने ख्यालात मन को छोड़ जाओगे, प्रकाश और शब्द में चले जाओगे, तुम्हारी अपनी एक चैतन्य अवस्था रहेगी, तुम्हारी अपनी हैपने की एक एग्जिस्टेंस रहेगी, हैपना रहेगा। वो जो हैपने का चैतन्य का भान है वो है मन बुद्धि के बगैर विवेक, अपने आप में ठहर कर अपने अपने आप के एहसास का अनुभव करना। गहरी नींद में और इसमें फर्क क्या है? गहरी नींद में जब तुम जाती हो तुम अपने आप को सब कुछ भूल जाती हो, मगर तुमको वो जो कंडीशन है उस वक्त वो याद नहीं जाती, भूले हुए होती हो। अभ्यास में वहां पहुंच करके तुम्हारी कॉन्शियसनेस पूरी रहती है और तुमको चेतनता रहती है कि मेरी हस्ती है, हैपना मौजूद है, इसी का नाम है सत। इस अवस्था का नाम है सतपद। तो सतपद मुझे किसने दिलाया? तुम लोगों ने। दाता दयाल मुझ पर दया तो दाता दयाल की है, मगर दाता दयाल से मैं इस रात को ना समझ सका। दाता दयाल ने मुझे कहा था, तुमको काम देता हूँ, तू ना समझना, तू किसी का बेड़ा पार करेगा, तुझे सच्चा राधा स्वामी दयाल सत्संगियों के रूप में तुमको दर्शन देगा। तो तुम लोगों के दर्शनों ने मेरा बेड़ा पार कर दिया, मेरी समझ में आ गई। आगे कोई कैसे आए जाए भरम की धार बहा। अब वहां पर कौन आए और कौन जाए, क्यों? तो वो भरम की धार में है। भरम किसे कहते हैं? भरम निकला है फरमना से, भरम निकला है फरमना से, फरमना है एक्शन मूवमेंट। तो जब तक किसी का मन सोचता रहता है वो भरमना में है, जब तक कोई नीचे से ऊपर चलती रहती है वो भी भरमना में है। तो जब तक किसी की भरम नहीं, हरकत नहीं उसकी खत्म होगी, क्या कहा उदय सिंह? जब तक किसी की मूवमेंट एक्शन हरकत मोशन मन की खत्म नहीं होगी उसका भरम कैसे जाएगा? तो मेरी तो खत्म ये जाता हूं मैं, आप भी आपको सच्ची बात कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मगर मुझे अपने मंजर का पता लग गया।
तो मन जो है जब तक ये अमन नहीं होता नहीं समझ में आती है। यानी परम परम के मैंने कोई तो कही कहते हैं रसी रसी तो सब नजर आया एक दे भरम है ना असली भरम की है हमारा भरमना यानी हरकत करना मूव करना। आप समझते मेरा मतलब नहीं जब तक हमारा मन ठहरता नहीं जब तक कोई चीज मिलती है तो मन मेरा भी नहीं ठहरता था वो अब ठहर जाता है सिर्फ इस ख्याल से कि मुझे यकीन हो गया कि मेरा मन के अंदर जितने ख्याल उठते हैं ये है नहीं ये माया है बस यही सनातन धर्म कहता है। कोई फर्क सनातन धर्म में और संत मत में नहीं है न सनातनियों को अपना पता है और न संतों को संतों के पैरोकारों को अपना पता है। अगर संतों को पता है तो उन्होंने मुंह बंद रखा किसी को बताया नहीं अगर बता भी देते तो समझने वाला कौन था महाराज माफ करना उनका भी संतों का भी क्या कसूर है संतों का भी क्या यही बाबा साहब ने मुझे कहा था क्योंकि दुनिया अधिकारी नहीं है एक दूसरा मेरा डेरा था बस अगर पर्दा खोल ले मुझे कौन देता माफ करना मेरी बात मैं अगर पर्दा रखता मैं आज आपको सच कहता हूँ जितना मर्जी चाहे मैं रुपया दुनिया से कमा लेता जितना मर्जी चाहे कमा लेता। अमेरिका गया था निक्सन के बॉडी गार्ड के अंदर मेरा रूप पर तीन चार डॉक्टर थे उनके अंदर मैंने कहा मैं नहीं जाता मैं नहीं जाता ना। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मेरा पाषण हुआ वहाँ संत कृपाल सिंह के भी चेले थे बाबा चरण सिंह के भी चेले थे अंग्रेज भी थे और उसका नाम बहुत से आदमी थे वो भी था कौल का प्राइवेट सेक्रेटरी भी था। मैंने वहाँ कहा कोई गुरु नहीं जाता किसी के अंदर तो एक था खड़ा हमने वो कृपाल सिंह का सरदार था खन्ना साहब वो कहते हैं जाते हैं। मैंने कहा कौन कहता है तुम्हारे मेरे सामने माना नहीं जाता संत कृपाल सिंह ने माना नहीं जाता तुम कैसे कहते हो जाता उनसे पूछो नहीं समझ में आती है। फिर मैंने पूछा रात को तुम सपने में अपनी औरत को मिलते हो उसे पूछो तो आई थी तुम्हारे पास रात को हो तुम अब लड़के को देखते हो अपनी बीवी को सपने में देखते हो उनसे पूछो तो आई थे। अरे दीवानी हुई है दुनिया सब पागल हो गई कोई किसी को सच्ची बात बताता को सुनने के लिए तैयार नहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तुमको बता देता हूँ माई आया करती है दूसरे जब तक तुमको ये ख्याल है कि तुम्हारा गुरु हुशियारपुर में बाहर बैठा हुआ है ब्यास में बैठा हुआ है या कहीं बैठा हुआ है तुम भूल जाओ तुम्हारी मफरत नहीं है।